हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। 1961 में एक बुक लिखा गया था द कंसेप्ट ऑफ लॉ, जिसके ऑथर थे प्रोफेसर एच एल ए हार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर एच एल ए हार्ट्स कंटेम्प्रेरी मॉडिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। दिस इज़ डॉक्टर बंसोड़े एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। नाउ रूल्स जो होते हैं उससे लीगल सिस्टम एक्चुअली बनती है। तो प्रोफेसर एच एल ए हार्ट जो है वो बोलते हैं सिस्टम जो है लीगल सिस्टम वो सिस्टम ऑफ रूल्स है, और ये रूल्स जो बनाए गए हैं वो डायरेक्टली किसी डिटर्मिनेट अथॉरिटी से नहीं आए हैं। दे डेवलप फ्रॉम द सोशल प्रैक्टिसेस, एंड सो दो ही वॉज अ पॉजिटिविस्ट बट ही डेवलप हिज थेरी यूनिकली फ्रॉम द अदर पॉजिटिविस्ट लाइक ऑस्टिन और केल्सन। तो जहाँ तक हम प्रोफेसर एच एल ए हार्ट की थियरी ऑफ रूल्स की बात करते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर आर टू इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द लीगल थियरी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविज्म। वो क्या है? तो पहला है कि जहाँ पे जो सिस्टम है, या सिस्टम में जो आप बोलते हैं कि जो सोशल एक्सेप्टेंस होता है वो बेस होता है एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ। तो जहाँ तक हम सोसाइटी मानते हैं, सोसाइटी कुछ अपने प्रैक्टिसेस डेवलप करती है, मॉरल कंडक्ट को डेवलप करती है, बिहेवियर को डेवलप करती है, और सोसाइटी मानती है कि उसी के बेसिस पे लॉ रिकॉग्नाइज हो सकता है। रादर लॉ ओरिजिनेट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस और फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी। जैसे सेविग्नी है, तो ही डेवलप हिज फिलोसॉफी ऑन दिस बेसिस। जहाँ तक दूसरा एक आस्पेक्ट है जो टोटली कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और वो आस्पेक्ट हम समझते हैं कि अथॉरिटी है, कमांड है, सैंक्शन है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उस लॉ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो जहाँ तक अथॉरिटी, कमांड और सैंक्शन, दैट इज़ अ पनिशमेंट, दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ, ये एक दूसरा व्यू है। तो अभी ये दोनों व्यू कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसमें एक व्यू बोलता है कि सोशल प्रैक्टिसेस और सोशल एक्सेप्टेंस, दैट इज़ द अ वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ लॉ। तो दूसरा बोलता है कि सोशल प्रैक्टिसेस नहीं तो अथॉरिटी, ऑर्डर और कमांड और सैंक्शन, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ अ लॉ। तो इस दोनों व्यू के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने का काम जो है जो प्रोफेसर एच एल ए हार्ट ने किया है इन हिज थियरी ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल्स और द सिस्टम ऑफ रूल्स। एंड सो ही एडवोकेट्स दैट जो लीगल सिस्टम है वो लीगल सिस्टम जो है वो सिस्टम ऑफ रूल्स है। और ये रूल्स कहाँ से आते हैं? तो दिस इज़ नॉट ओरिजिनेटेड ओनली फ्रॉम द डिटर्मिनेट अथॉरिटी और द वेरी ऑथराइज ऑर्गेनाइज सिस्टम, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दीज रूल्स दे आर देयर फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटीज। तो प्रिमिटिव सोसाइटी से ये रूल्स जो है वो वहाँ पे है, लेकिन वो जो रूल्स है प्रिमिटिव सोसाइटी में, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन। एंड सो अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी की, तो उसमें हम देखते हैं कि वो सोसाइटी विदाउट एनी ऑर्गेनाइज लीगल सिस्टम जो एक ऑब्लिगेशन को अपने आप में डेवलप करती है और उसे एक्सेप्ट करती है, उससे वो पर्टिकुलर सोसाइटी एक तरह से डोमिनेटेड थी, और उसमें सोशल एक्सेप्टेंस जो सब लोग उसको मानते थे और ऐसे प्रैक्टिसेस को वो अप्रिशिएट करते थे, रिकॉग्नाइज करते थे, उससे वो प्रिमिटिव सोसाइटी जो है वो रेगुलेट होती थी। जहाँ तक डेवलप सोसाइटी की बात हम करते हैं, तो डेवलप सोसाइटी जो रेगुलेट होती है वो ऑर्गेनाइज अथॉरिटी से रेगुलेट होती है।
एंड सो ये दो जो सोसाइटी के जो डिफरेंसेस हैं वो दोनों को अकाउंट में लेने का काम जो है वो प्रोफेसर एच एल ए हार्ट ने ये जो सिस्टम ऑफ रूल्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करते वक्त किया है। और इसलिए हम समझते हैं कि आर्टिकल 13(3)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं लॉ मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल रूल्स रेगुलेशन बायलॉज नोटिफिकेशन ऑर्डर ऑर्डिनेंस कस्टम एंड यूसेज हैविंग फोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये कस्टम एंड यूसेजेस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस को जो जनरली सब ने एक्सेप्ट किया है एडप्ट किया है, और उसको भी हम आज की ऑर्गेनाइज सिस्टम में ऑर्गेनाइज अथॉरिटी में हम उसको भी वहाँ पे स्पेस देते हैं रूम देते हैं। एंड सो इन दैट वे वी आर एक्सेप्टिंग द दैट पर्टिकुलर प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन इन द पॉजिटिव लॉ ऑफ टूडे इन अ पॉजिटिव मैनर। तो यहाँ पे जब हार्ट बोलते हैं कि लीगल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, और उसमें पहला तो प्राइमरी रूल्स होते हैं जो प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन हैं, और ये प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन प्रिमिटिव सोसाइटी से तैयार हुए हैं। तो जब हम प्रिमिटिव सोसाइटी से तैयार हुए हैं ऐसा मानते हैं, तो इस प्रिमिटिव सोसाइटी के रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन में कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। वो क्या डिफेक्ट्स हैं? तो प्रिमिटिव सोसाइटी में जो रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन थे वो अनसर्टन थे, वो रिजिड थे, जैसे स्टैटिक इन कैरेक्टर थे, और वो इनसफिशिएंट थे। अभी इन सारे डिफेक्ट के साथ अगर सोसाइटी उन नॉर्म्स को उन रूल्स को साथ में लेके चलती है, तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट सोसाइटी में वो रूल्स वो नॉर्म्स इफेक्टिव मैनर में रिकॉग्नाइज नहीं होते। तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरत है कुछ ऐसे रेमेडीज़ की जो ये डिफेक्ट है उसको ओवरकम करें। और इसलिए हार्ट बोलते हैं कि देर इज़ अ नीड ऑफ अ सेकेंडरी रूल्स, और वो सेकेंडरी रूल्स जो होते हैं वो पावर कन्फरिंग होते हैं, कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, रूल ऑफ रिकॉग्निशन, रूल ऑफ चेंज, रूल ऑफ एडजुडिकेशन, ये आप वहाँ पे इफ़ेक्टिवली देख सकते हैं। तो जैसे हम मानते हैं कि द रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन इफ़ दे आर अनसर्टन, तो उसको सर्टनटी के साथ रिकॉग्नाइज करने के लिए देर इज़ अ नीड ऑफ अ रूल ऑफ रिकॉग्निशन। एंड सो जहाँ तक हम ऐसे बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस हैं और उस प्रैक्टिसेस को इन अ वैलिड मैनर रिकॉग्नाइज करने के लिए हम वहाँ पे रूल ऑफ रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो दैट मे बी फ्रॉम द फैमिली लॉज सक्सेशन के राइट्स है, सो सक्सेशन के राइट फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटी टू द टूडे सोसाइटी, द वे वी शेप दैट पर्टिकुलर राइट्स, द वे वी रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर राइट एंड इन ट्यून विद दैट कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जहाँ तक हम बोलते हैं राइट टू सॉरी रूल ऑफ रिकॉग्निशन, ये रूल ऑफ रिकॉग्निशन इज लाइक अ बेसिक नॉर्म और बेसिक रूल, जैसे केल्सन का ग्रन नॉर्म है वैसे ये रूल ऑफ रिकॉग्निशन है। तो जितने भी दूसरे रूल्स होते हैं सिस्टम में उसको वैलिडिटी देने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये रूल ऑफ रिकॉग्निशन होना ज़रूरी है। तो ऐसे जो प्रैक्टिसेस एज अ ऑब्लिगेशन सोसाइटी ने एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन वो अगर सर्टन नहीं होते हैं, तो उस सर्टनटी देने के लिए, उसको सर्टनटी देने के लिए देर इज़ अ नीड ऑफ अ रूल ऑफ रिकॉग्निशन। एंड सो द 2005 अमेंडमेंट इन द दैट हिंदू सक्सेशन, कि जो वुमेन का जो स्टेटस है वो इक्वली विद द मेल कोपासनर, वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज करके देता है। सो वी स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज और वी स्टार्टेड टू गिव द सर्टनटी टू द डिफेक्ट्स वॉट एवर देयर इन दैट पर्टिकुलर प्रिमिटिव और प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन विच डेवलप इन दैट प्रिमिटिव सोसाइटी। वैसे ही जहाँ तक स्टैटिकनेस ऑफ द प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तो अगर प्राइमरी रूल्स स्टैटिक रहेंगे, वो अगर उसी मैनर में रिजिडिटी के साथ रहेंगे, तो उसमें भी
वहाँ पे कुछ टाइम एंड अगेन जो सोसाइटी का जो डायनामिज़म है उसके साथ उसमें वो चेंजेस आने चाहिए। जो इंडिविजुअल की लाइफ है वो लाइफ जैसे सरकमटेंशियल और सिचुएशन के साथ चेंज होती है, वैसे ही वहाँ पे रूल ऑफ चेंज एज अ पावर कन्फरिंग रूल वहाँ पे होना ज़रूरी है, जो उस इंडिविजुअल को इफ़ेक्टिव मैनर में अपने राइट्स के साथ वहाँ पे रिकग्नाइज करे और उसको वहाँ पे रूल ऑफ चेंज वो एक रेमेडी दे जो स्टैटिकनेस को ओवरकम करे, जो रिजिडिटी है उससे वहाँ पे वो बाहर निकले। एंड वैसे ही अगर प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन इनइफिशेंट है या फिर वो वहाँ पे ऐसे है कि जो इन पर्टिकुलर मैनर में ब्रेक हो रहे हैं, तो वहाँ पे रूल ऑफ एडजुडिकेशन भी होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं उसको सेटल कर सकते हैं, उस इनइफिशेंसी को हम वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। एंड सो ये जो सेकेंडरी रूल्स का जो मैकेनिज़म है जो पावर देता है, वो पावर इन अ वे वो क्या करता है, रेमिडाइड करता है टू द वेरी डिफेक्ट्स व्हाट क्रिएटेड और व्हाट स्ट्रेसेस इन द प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन। एंड सो हम मानते हैं कि ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें हार्ट क्या करते हैं, जो मॉरल कंटेंट ऑफ द सोसाइटी जो हम मानते हैं, जो बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द सोसाइटी जो हम मानते हैं, उसको भी अकाउंट में लेके हार्ट क्या करते हैं, ही ट्राई टू गिव द वेरी कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिव लॉ इन द लीगल सिस्टम विद द रिकग्निशन ऑफ सिस्टम ऑफ रूल्स। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर रूल कोई है तो वो है रूल ऑफ रिकग्निशन, कि जिसमें रूल ऑफ रिकग्निशन के बगैर वो पूरी सिस्टम ऑफ रूल्स जो है वो वहाँ पे इफ़ेक्टिवली वर्कआउट नहीं हो सकती है, क्योंकि इट इज़ लाइक अ टच स्टोन, वो एक टच स्टोन है टू डिटरमाइन द लीगैलिटी वैलिडिटी ऑफ ऑल अदर रूल्स इन द सिस्टम। वो वहाँ पे रूल ऑफ रिकग्निशन ही है, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, द वैलिडिटी लीगैलिटी ऑफ एन नंबर ऑफ अदर दैट पर्टिकुलर इशूज इन रिलेशन विद द वेरियस रूल्स इन द सिस्टम, वो वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। उसी मैनर में रूल ऑफ रिकग्निशन जो होता है वो अदर जो रूल्स होते हैं, दैट मे बी प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन और द अदर रूल्स इन द सिस्टम, उसकी लीगैलिटी वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए रूल ऑफ रिकग्निशन वो इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे काम करता है। एंड सो इन ब्रीफ, प्रोफेसर एच एल ए हार्ट्स सिस्टम ऑफ रूल प्रोवाइड्स फॉर द प्राइमरी रूल्स, प्रोवाइड्स फॉर द सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स दे आर द ड्यूटी इम्पोजिंग, जो कि ड्यूटी हम इन द फॉर्म ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस, इन द फॉर्म ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, जो सबने एक्सेप्ट की है, जो कि मे बी एक मॉरल कंडक्ट होता है, बिहेवियरल पैटर्न होता है, उसमें हम वो ड्यूटी अंडरस्टैंड करते हैं। और सेकेंडरी रूल्स जो होते हैं वो पावर कन्फरिंग होते हैं, जिसमें रूल ऑफ चेंज, रूल ऑफ रिकग्निशन, रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर एडजुडिकेशन, ये हम वहाँ पे देखते हैं। सो रूल ऑफ चेंज जो है उसमें ये आपके जो मैरिटल लॉज हैं, मैरिज लॉज, फैमिली इंस्टीट्यूशन, उसको भी आप वहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं, जिससे यू आर ट्रेसिंग दैट पर्टिकुलर रिलेशंस विद द चेंजिंग फिनोमिना। तो ये कंसेप्ट जो है वो आप उसमें रीड आउट करते हैं। जुडिशरी इज़ अ वेरी ऑर्गन टू सेटल द दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो एडजुडिकेशन से हम क्या करते हैं, एडजुडिकेशन से हम उसको सफिशेंट मैनर में प्रूव करते हैं, और उसके लिए जुडिशरी भी वहाँ पे होना चाहिए। तो रूल ऑफ एडजुडिकेशन जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड रूल ऑफ रिकग्निशन कि जो लीगैलिटी वैलिडिटी है ऑफ द अदर रूल्स वो वहाँ पे ट्रेस होती है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रूल ऑफ रिकग्निशन। तो ये इन ब्रीफ जो
सिस्टम ऑफ रूल्स है वो प्रोफेसर एच एल ए हार्ट ने दी है, और इसलिए इसे हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं, फ्यूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिव लॉ. यू कैन सी इन द थियोरी ऑफ रूल्स व्हाट एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर एच एल ए हार्ट, और इसलिए हम इसे बोलते हैं कि कंटेम्प्रेरी मॉडिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया है कि ही मॉडिफाई द बेसिक फैब्रिक ऑफ द पॉजिटिविस्ट स्कूल. तो पॉजिटिविस्ट स्कूल का जो बेसिक फैब्रिक है उसको उन्होंने वहाँ पे मॉडिफाई किया है, एंड ही टेकन इनटू अकाउंट द सोसाइटी विद द मोरालिटी, सोसाइटी विद द प्रैक्टिसेस, एंड एट द सेम टाइम ही ट्राई टू रेगुलेट दैट पर्टिकुलर मॉरल प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव ऑर्डर, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, एंड सो दैट इफेक्टिवली दैट सिस्टम कैन बी वर्कआउट, एंड सो द लीगल सिस्टम कैन बी रिकोगनाइज विद द रूल्स. दैट इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ थियरी ऑफ प्रोफेसर एच एल ए हार्ट. सो हेयर वी स्टॉप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड इन ब्रीफ प्रोफेसर एच एल ए हार्ट्स सिस्टम ऑफ रूल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम स्टॉपिंग हेयर विद दिस वीडियो. थैंक यू.